चाची का भूत। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक हकीकत घटना पर आधारित आपको सुनाने जा रहा हूं जो मेरे गांव में घटा और आज भी इसे सुन करके लोग दहशत में आ जाते हैं। दोस्तों ये घटना है करीब करीब आज से 10 या 11 साल पहले की, जब हम इस गांव में नहीं रहा करते थे, हम शहर में रहा क्या करते थे, क्योंकि मैं बचपन से ही मैं शिफ्ट हो गया था। जब मैं 2-3 साल का था तो मैं मम्मी के साथ गांव में शहर में शिफ्ट हो गया था और वहीं पे स्टडी क्या करते थे और अपना रोजा रोटी के लिए काम क्या करते थे। लेकिन फिर मैं जब गांव में आया तो लोगों का मुंह से सुन करके बहुत ही मतलब कि डर सा मन में बैठ गया कि आखिर ऐसा भी घटना होता है। तो आपको दिल थाम के ये पूरा जो घटना है उसे सुनना चाहिए, जिससे कि आपको भी इससे लड़ने का, इन सब चीज जिस टाइप का आता है, परेशानी आता है, उसे लड़ने का आपको भी ये क्षमता मिल सके। तो इसमें करना क्या है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि गांव का एक घटना है जहां पे लोग आज भी ये स्टोरी सुन करके लोगों का दिल दहक जाता है कि आखिर चाची का भूत भी होता है। बात है उन दिनों का जब एक लड़का था जो अपने नानी घर में रहता था और उसकी मम्मी भी कई सालों तक नानी घर में रहा करती थी और वो वहीं पे उसकी चाची का देहांत हो गया था और उसके बाद में कई सालों के बाद वहां से ये सारे वो लड़का और उसकी मम्मी अपने नानी घर से अपने घर पे आ गई थी। और आने के बाद करीब 3 से 4 साल बाद ऐसा हुआ कि उस औरत को जो अपने नानी घर से आया था, अपने मायके से आई थी, उसे बहुत जोर से तबीयत खराब हो गया और तबीयत खराब होने के बाद यह हुआ कि उसकी मामा उसे देखने के लिए उसके घर पे आ जाते हैं। और घर पे आने के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो 2-4-10 दिन रहते हैं और अपनी बहन को सेवा करते हैं उसकी मामा और सेवा करने के बाद वो वापस चले जाते हैं। अब ये होता है दोस्तों कि उसी के दिन रात जब वो लड़का जो नानी घर से आया हुआ था, अपनी मम्मी के साथ रहता था, अपनी मम्मी के साथ उसके हस्बैंड कहीं दूर में काम किया करता था, कहीं सिटी में जाकर के अपने रोजी रोटी के लिए काम करता था, तो वो लड़का और मम्मी घर पे अकेला रहता था। रात में जो लड़का उठा तो देखा पानी पीने के लिए कि आसमान में कुछ इस टाइप का धुआं उठ रहा है। ये देख करके उसकी वो खुद डर गया और मम्मी को उठाया और जब मम्मी उठी तो देखी कि वहां पे कुछ ऐसा अजीब सा आत्मा टाइप का उड़ रहा है आसमान में। अब उसकी मम्मी को समझ में आ गया कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो अपने बच्चे को, जो लड़का था, उसे साइड में सुला दिया अच्छी तरह से और खुद समझ गया कि मरने से पहले उसकी चाची बोली थी कि हम तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। अब ये क्या की कि बगल में ही एक पीपल का पेड़ था, वहां पे चली गई औरत, वहीं पे जाके जोर जोर से रोने लगी क्योंकि उसके घर के जस्ट बगल में ही पीपल का पेड़ था, वहां पे रोने लगी। और जब ये लड़का उठा तो डर गया, सहम गया और उसके बाद ये भी गया तो देखा कि मेरी मम्मी रो रही है और उसके चारों तरफ बहुत सारे औरतें भी रो रही है। अब ये लड़कों को कुछ समझ में नहीं आया और फिर ये भी जोर जोर से चीखने लगा। तभी इसे ख्याल में आया कि स्कूल में पढ़ाया गया था कि जब भी आत्मा आती है और वहां पे कोई हनुमान चालीसा या हनुमान जी का नाम लेता है या गायत्री मंत्र का नाम लेता है, गायत्री मंत्र जप करता है, तो इस सारा आत्मा भाग जाती है। फिर क्या था, वो लड़का अपना माइंड को रिकॉल किया और वही गायत्री मंत्र जपना स्टार्ट किया और हनुमान चालीसा गाना स्टार्ट किया कि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव संप्रभा संप्रभा।
उसके बाद में हनुमान चालीसा भी स्टार्ट कर दिया। श्री गुरु चरण सरोजर निज मन मुकुर सुधा वर्णो रघुवर बिमल जसो जोदा युग फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर हु करिश विकार। इतना जैसे ही वो लड़का हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट किया तो देखा कि सारी आत्माएं जो थे वो भाग गए वहां से, और उसकी मम्मी जस के तस फिर उठ करके अपने बच्चे के पास आ गई, और ये घटना सुबह में पूरा आग की तरह फैल गया और लोग आश्चर्यचकित होने लगे। तभी वहां पे लोग जो अघोरी बाबा होते हैं, साधु संत होते हैं, उन्हें बुलाया गया और उस आत्मा को कैद करवा लिया गया। तब से वो लेडीज, वो औरत और लड़का सुखी संबंध, और आज के डेट में वो खुद बूढ़ा भी हो गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा सूझबूझ से कैसे भी कैसे अपने आप को अच्छा किया जा सकता है और एक अच्छा जीवन व्यतीत किया जा सकता है, चाहे किसी भी तरह का आत्मा ब्लाइक क्या क्या न हो। लेकिन जब आप कुछ सीखिएगा, कुछ जानिएगा, तब आप कुछ ना कुछ अच्छे जगह पे अच्छा काम कर ही लीजिएगा। तो आज के वीडियो यही तक, आए के वीडियो के लिए चैनल बने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।